दोस्तों आज बात करते हैं कि प्लॉट का एरिया कैसे निकालें, वो भी स्क्वायर फीट में। दोस्तों अगर आपको स्क्वायर फीट में कोई भी प्लॉट दे रखा है तो उसका एरिया लोग एकदम सही तरीके से कैसे ज्ञात करना है तो आपको इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा। इसके बाद आप कोई भी प्लॉट का एरिया आराम से निकाल पाओगे। दोस्तों ये प्लॉट है वो इसका ये पूरा एरिया दे रखा है, और इसका ये एरिया दे रखा है, जैसे मान लो इसकी जो लंबाई है वो 50 फीट और 4 इंच दे रखी है, ठीक है। उसकी जो चौड़ाई है वो दे रखी है 40 फीट और 6 इंच दे रखी है। तो दोस्तों इसको आपको स्क्वायर फुट में इसका एरिया निकालना है, तो मतलब इसको कितना वर्ग फुट है पता चल जाए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि एरिया का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। एरिया क्या होता है कि ये 50 फुट 4 इंच इसकी लंबाई है और ये है चौड़ाई, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रिथ, ठीक है। कहते हैं लंबाई और इंटू चौड़ाई, ठीक। तो इसमें क्या करना है कि लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों 50 फिट और 4 इंच गुणा, मतलब चौड़ाई कितनी है 40 फिट और 6 इंच। अब इसका कर देंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा टोटली तरीके से गलत, आपका एरिया निकलेगा ही नहीं सही से, क्योंकि ये जो 50 फिट इसकी लंबाई जो है 50 फिट दे रखी है, 50 फिट और 4 इंच ये इंच में दे रखी है, इसको भी आपको फिट में चेंज करना पड़ेगा तब जा कर के आपका एरिया निकलेगा सही से। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये गलती नहीं करनी है, और जिस तरीके से निकालना है वो मैं आपको बताता हूँ कि सही एरिया कैसे निकालते हैं। सही तरीका क्या है, आप ये गलती ना करें, और अगर इस तरीके से निकालते हैं तो एरिया आपका गलत निकलता है, और उसमें अगर आप कोई काम भी ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी ले रहे हैं, कुछ भी गलती हो सकती है तो आपको भारी इसमें नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो अब करना क्या है कि ये जो 50 दे रखा है 50 फुट 4 इंच, अब दोस्तों इस 4 इंच को यहाँ पर देख लेते हैं, इस 4 इंच को बदल लेते हैं फिट में। अब इस 4 इंच को फिट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड कर दो। अब इसको 12 से डिवाइड करोगे तो इसमें कितना आएगा आपका, ये आएगा 0.33, ठीक है। और इसके बाद ये है जो 6 इंच दे रखा है, इसको 6 को भी डिवाइड कर लो 12 से, इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.5 आएगा, ठीक। अब दोस्तों ये सही तरीके को अब देखते हैं कैसे निकालना है कि इसकी लंबाई दे रखी है 50 फीट 4 इंच, तो इसमें 4 को डिवाइड किया तो ये कितना हो गया, अब यहाँ पर करेंगे 50 फिट इंटू 33, ये आया ना 33, ये 0.33, ठीक। इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, ये 40 दे रखा है और इसमें जो 6 इंच था इसको फिट में चेंज कर लिए तो कितना आएगा 0.5, तो कितना गया 40.5। अब इसका अपन करेंगे मल्टीप्लाई तब जा कर के एरिया निकलेगा सही से। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं, तो इसका एरिया आएगा 2038.365, ठीक। दोस्तों बिल्कुल टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए बिल्कुल बहुत जल्दी तरीके से मैंने आपको बताया, और ये बिल्कुल सही तरीका है, इससे आप अगर फाइंड आउट करोगे तो आपको कभी भी गलती नहीं होगी, कभी नुकसान नहीं होगा, और एक एक पॉइंट का आपका हिसाब निकल के आएगा। तो ये हो गया स्क्वायर फिट में, स्क्वायर फिट में। दोस्तों ऐसे ही वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको कुछ नॉलेज मिली हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि प्लॉट के लिए कैसे निकालें, तो ये प्लॉट हो गया, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई है, ये 50 फुट 4 इंच बाई 40 का है, ठीक है। इसमें से आपको सीधा गुणा इसमें नहीं करना, सीधा गुणा करोगे तो आपका आएगा गलत, ठीक है। और सही तरीका मैंने आपको बता दिया, पहले जो इंच में दे रखा है इसको फिट में चेंज कर लो, और इंच को फिट में बदलने के लिए आपको 12 से डिवाइड कर दो तो आपका सीधा आ जाएगा, और आपका फाइनल एरिया आ जाएगा 2038.365 स्क्वायर फुट, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठेका लिया है, कुछ भी लिया है, तो उसमें आप जितने भी रुपये
पर स्क्वायर फिट लिया है तो इतने से आपको गुणा कर सकते हैं, या इस एरिया का ज़मीन का निकालना है आपको कितनी कितने रुपए स्क्वायर फुट चल रही है ज़मीन। ठीक है दोस्तों, यूपी में खासतौर पे अलग अलग चलती है, तो जैसे कि अब 2000 स्क्वायर फुट एरिया निकल आया और अगर कहीं चल रही है 2000 रुपये स्क्वायर फुट चल रही है तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे दोस्तों 38 में इंटू में 2000 का मल्टीप्लाई कर दोगे, जो फाइनल आएगा वो आपकी रुपये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये चैनल है दोस्तों जी 2.0, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे।